तो अंदर से अपनी डैम्पिंग वगैरह सारी चीजें हो चुकी है, ई मॉडल रहने वाला अपना, और अपने बम्पर भी ग्रिल लग चुकी है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं बेस वेरिएंट में कौन सा लगा हुआ होता है और कौन सा हम इंस्टॉल करेंगे। टक्सन वाले अलॉयज है, अलॉय के डीआरएल है, तो अभी तो इंडिकेटर चल रहा है इसके अंदर। वाला पार्ट होता है ना अपना सिल्वर होता है, इसको भी हमने पियानो ब्लैक कर दिया। ये रूप ब्लैक देख रहे हैं, ये नॉर्मल टेप नहीं है, ये पीपीएफ टेप है, आता है फ्रंट एंड बैक देख सकते हैं। स्प्रेयर भी प्रॉपर वर्क कर रहा है इसके साथ, और सॉफ्ट टच अपना पियानो ब्लैक। ये सीट कवर की क्वालिटी और इंटीरियर दिखाना, ये पीछे का डोर पैनल है। आज हम डोर पैनल क्यों दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये आपको लाइट तो 360 की वर्किंग दिखाते हैं इसके अंदर। ये अपना फ्रंट व्यू है, तो ये बैक कट पर जैसे हम इंडिकेटर देते हैं, राइट साइड का टायर देख सकते हैं, राइट साइड का। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए थे निक्कू भैया के पास। तो निक्कू भैया आज क्या दिखा रहे हो? एक क्रेटा है, ई मॉडल ई है अपना, पंजाब से आई हुई है, ठीक है, पंजाब से आई है, ई मॉडल है, लेकिन इसमें वाइपर पहले ही लगा दिया। अभी तो वाइपर लगा रहा हूँ इसमें, लेकिन ये गाड़ी को कुछ हट के बना रहा हूँ। कस्टमर का चॉइस था कि हमें बाहर से नाइट एडिशन वाला चाहिए, अंदर से एसएक्स चाहिए। अच्छा, माने उनको दोनों काम है, जैसे फैमिली में उनको अंदर से ब्लैक नहीं पसंद है, ये तो पहले पूरा था नाइट एडिशन बनाना था, ठीक है, ठीक है। लेकिन बाहर से जितने भी चीज़ है पीपीएफ रैपिंग होगा इसके अंदर, पीपीएफ रैपिंग होगा, ठीक है, ठीक है। स्पाइलर से लेके जब सारा चीज ब्लैक होगा इसका, वाइपर माने ए से लेके जेड तक काम से, 360 कैमरा भी है इसके अंदर, 360 भी लगा, हाँ। और सबसे जो मेन चीज है इसमें टक्सन का अलॉय व्हील लगेगा, टक्सन हुंडई टक्सन के अलॉय व्हील्स जो कि अभी हमने लगा दिए हैं इसके अंदर। तो लुक देख सकते हैं कैसा लग रहा है, मोस्टली सिमिलर लग रहा है अपने एसएक्स जैसा ही, लेकिन उससे बड़ा है, 18 इंच आता है। लेकिन जो ये गाड़ी अभी तो ऐसे खुली हुई है ना, तो इसलिए इसको कल हम जब इसको तैयार कर देंगे ना, फिर इसको चला के दिखाएंगे, ठीक है, क्या मजा है क्रेटा के अंदर। कल दिखाएंगे इसका जो मेन लुक है, डे लाइट में शूट करेंगे इसको, ठीक है। तो बैक प्रोफाइल से बस हमने अभी वाइपर इंस्टॉल करा हुआ है, नीचे अपनी स्किड प्लेट लग चुकी है, बैक लाइट लग चुका है, टॉप मॉडल वाला। एक बार अंदर से कंडीशन दिखा देते हैं। तो अंदर से अपनी डैम्पिंग वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी है। सोनी ई एस सीरीज, इसमें भी सिस्टम का भी बताता हूँ, इसमें जो सोनी ई एस सीरीज का कॉम्पोनेंट है, ठीक है, सोनी ई एस सीरीज का पीछे कोएक्सल है, ठीक है, सोनी का एम्पलीफायर है, सोनी का एम्पलीफायर रन करने के लिए भी, मतलब सारा ब्रांडेड ही ब्रांडेड है, और सोनी का अंडर सीट बूफर भी है, अंडर सीट बूफर भी सोनी का, जिसका प्लेसमेंट हमने यहाँ पे करते हुई है, मतलब हमारी पुरानी वीडियो से सिमिलर काम कर रहे हैं। जैसे आप जो हम जो बोलता रहे थे कि हमारे पास अवेलेबल है, तो ये वीडियो में मैं दिखा दूंगा, ये पार्ट हमारे पास अवेलेबल है जो नाइट एडिशन है, लेकिन इनको करवाना नहीं है, इनको बोला तो इनको टॉप मॉडल वाला एसएक्स वाला रखना है, अंदर से एसएक्स वाले रखना, बाहर से डार्क कर, ठीक है। तो सारा काम कंप्लीट हो जाए फिर एक बार लास्ट में लुक दिखाएंगे। तो अभी अंदर से हमारा जो फॉग लैम्प का है वो स्विच भी चेंज कर रहे हैं या सिर्फ वही है? नहीं, फॉग लैम्प भी टॉप मॉडल जैसा चलेगा, असेंबली से चलेगा, ठीक है। पार्क फॉग लैम्प ऑन ऑफ करने का सेपरेट स्विच होगा, हाँ, उसी के अंदर जो एसएक्स में होता है, ठीक है। और बाकी वाइपर का तो स्विच चेंज हो ही गया होगा अभी तक, तो ये कंडीशन कुछ रहने वाली है अभी। तो एक बार कल दिखाएंगे जो लास्ट लुक इसका निकल के आता है। सीट कवर वगैरह कौन से अपने एसएक्स वाले लग रहे हैं? जो हम एसएक्स में बना अलग हट के लग रहा है, और सीट कवर इसमें कोई बकेट फिटिंग नहीं हो रहा, कस्टमाइज हो रहा है सीट कवर, कस्टमाइज हो रहा है दो तरीके से, एक तो बकेट होता है, इसको सिलाई खोल लो लगा दो, एक होता है कस्टमाइज सीट कवर, इसके इसलिए टाइम लगा कस्टमाइज सीट होने के लिए, ठीक है। तो फ्रंट से एक बार लुक दिखा दे, तो फ्रंट से एकदम बेस मॉडल वाली लाइट देख सकते हैं, ई मॉडल रहने वाला अपना, और अपने बम्पर भी ग्रिल लग चुकी है इसके अंदर, और इसके अंदर जो सीट भी है ना वो 40-60 वाली लग रही है, आर्मरेस्ट वाली। तो इसके अंदर तो 60-40 अब क्रेटा में आती है, आता है ना, लेकिन आमरेस चाहिए था, बिल्कुल ये वन काम चाहिए था, ठीक है, मतलब सेम सीट में ही कर रहे हैं हम, नहीं, अच्छा हम चेंज ही कर रहे हैं, अच्छा जो एसएक्स में आती है जो आमरेस के साथ, वो चेंज करेंगे, ठीक है, वो बिल्कुल नई सीट और इसके अंदर एक चीज और है, बाकी वीडियो में बता दूंगा, बाकी जो इसका जो है ना पावर विंडो कर्टन भी लगा रहे हैं ओरिजिनल वाला, ठीक है, वो डोर पैनल के साथ जो होता है, जो डोर पैनल के साथ आता है टॉप मॉडल में, वो चेंज कर रहे हैं, पर चीजें देखने को मिल जाएगी नई। तो निक्कू भैया दिखा दो, ग्रिल लैंप है इसके अंदर, इसमें क्या होता था पहले तो क्रेटा में आता था, 2023 में क्या कर दिया इसको फोल्डिंग वाला कर दिया, पहले ऐसे आता था, ठीक है, तो पहले हम ये चेंज करते थे, आप तो चेंज करने के लिए सीधे यहाँ पे लाइट लगवा सकते हो, अब यहाँ पे लाइट का ऑप्शन भी हमें दोनों साइड लगता है, दोनों साइड लगाना, तो ये वाले साइड भी आपको मिल जाएगा दोनों साइड, बैक के डोर्स में बैक वाले में ही होते हैं, बैक में ही आते हैं, ठीक है, फ्रंट में नहीं होते, नहीं होते, तो ये भी एक ऑप्शन है कि लगवाना चाहो तो आप लगवा सकते हो।
इसमें कुछ अलग अलग हट का काम है, जैसे आप देखो इसके अंदर यूएसबी भी है जो टॉप मॉडल वाला लगेगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं बेस वेरिएंट में कौन सा लगा हुआ होता है और कौन सा हम इंस्टॉल करेंगे। अभी हम इसके अंदर यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन अंडर सीट वूफर, पीछे भी अपने सोनी के लल रहे, मतलब स्पीकर्स के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई काम के मामले में इस गाड़ी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठीक है, अलग लेवल का तैयार होगा क्रेटा, शायद मैं पहली बार तैयार कर रहा हूँ ऐसा क्रेटा। ठीक है, मतलब डेली हर वीडियो तक अपडेट कर ही रहे क्रेटा में क्या क्या काम हो रहा है एक्स्ट्रा। तो फाइनली अपनी क्रेटा का काम कंप्लीट हो चुका है, तो आज डे लाइट में हम शूट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सी चीजें थी जो रात को नहीं दिखाई देती थी, तो आज विजिबल होगी क्योंकि डे लाइट है, आज सारी चीजें दिखेगी और क्लियर भी दिखेगी, क्लियर दिखेगी। तो फ्रंट से बात करते हैं, ये ई वेरियंट था अपना, ई वेरियंट के अंदर फ्रंट से ग्रिल हो चुकी है चेंज, नाइट विजन वाली ग्रिल हो चुकी है। इसके बाद इसका स्क्रिप्ट प्लेट जो आता है पियानो में, ठीक है पियानो, हाँ ये हो चुका है। ठीक है, 360 डिग्री का कैमरा का ऑप्शन एक फ्रंट में यहाँ पे आता है, तो वो हमने फ्रंट में प्लेसमेंट करी हुई है 360 का, एक फ्रंट में जो कैमरा लगता है, बाकी साइड मिरर्स में और एक बैक में होता है। ठीक है, इसके बाद ओरिजिनल जो हुंडई का फोकलेम होता है ना, उसके उसमें इसमें प्रोजेक्टर लगा दिया गया है, इसमें प्रोजेक्टर भी लगा है और डीआरएल चाबी भी है और हेडलाइट में ओस नाम की एचआईडी है, एचआईडी इंस्टॉल करी हुई है ओस नाम और नीचे एलईडी सेटअप है। हाँ ठीक है, तो फ्रंट से बस इतना ही है और ये स्किड प्लेट अपनी ओरिजिनल नाइट एडिशन की है। हाँ, नाइट एडिशन की, पेंट वाला पीस नहीं है। ठीक है, पेंट वाले पीस में आपको ग्रेन्स दिखाई देंगे, इसमें आपको स्पार्कल दिखाई देगा, तो उसमें नहीं आता ऐसे स्पार्कल टाइप, नहीं उसमें 19-20 का वो रहता ही है, कभी फर्क रहता, दाना दाना रहता ही रहता है। ठीक है, फ्रंट से हमने कवर कर लिया और गाड़ी को ड्यूल टोन लुक दिया। तो साइड प्रोफाइल की बात करें, साइड से इसमें आज अलॉयज हम कुछ अलग दिखाने वाले हैं, 18 inches लेकिन साइज में बड़ा है। ठीक है, साइज में बड़ा है, 18 इंचेस में आता है। अपोलो का टायर भी है 18 इंच, इसके लिए टायर रिप्लेस हुआ होगा। ठीक है, अपोलो के टायर, बाकी लुक देख सकते हैं अलॉयज का, तो अपने पास स्टॉक में अवेलेबल है। हाँ हाँ अवेलेबल है। ठीक है, साइड प्रोफाइल से एक वेंट लगा हुआ है इसके अंदर, ये साइड वेंट हमने इंस्टॉल करी, ये नया आया अभी? हाँ नहीं, बहुत पहले से भी था, पास था लेकिन अभी हम इंस्टॉल करने लग गए हैं। तो साइड मिरर की बात करें तो साइड मिरर हम अपना एडजस्टिंग और फोल्डिंग दोनों हो चुका है। ठीक है, उसके साथ ये अपना डीआरएल है इसके अंदर, डीआरएल है तो अभी तो इंडिकेटर चल रहा है इसके अंदर और नाइट टाइम में इसमें डीआरएल जलेगा, डीआरएल वाइट जलेगा, तो एक बार दिखा देते हैं हम। तो अभी अपनी DRL जल चुकी है, एक बार इंडिकेटर चलाते हैं। तो दो मोड्स हैं इसके अंदर, दो आता है। ठीक है, अगर आपको SX वाली चाहिए वो भी अवेलेबल, वो तो जैसे मिरर फोल्डिंग करवाते हो साथ में ही आता है वो उसके साथ आता है, ये आफ्टर मार्केट अलग से परचेज करना पड़ता है। ठीक है, इसके नीचे हमने 360 की प्लेसमेंट करी हुई है कैमरे की, साइड में ओरिजिनल पेडल लैंप भी आता है। ठीक है, पेडल लैंप है इसके अंदर, ये देखिए, तो पेडल लैंप दिखाते हैं एक बार, ये रहा पेडल लैंप, 360 कैमरा यहाँ पे लगता है, कैमरे की प्लेसमेंट तो यहाँ करी हुई है। तो उसके बाद जो इसमें जो खास चीज है ना, एक स्किड पियानो भी है जो नाइट में ये भी आता है। ठीक है, नाइट एडिशन में ये भी आता है, स्किड प्लेट, ये भी पेंट वाला पीस नहीं है, ये भी रिप्लेस किया हुआ ओरिजिनल पीस है, पूरा रिप्लेसमेंट। हाँ, ये दो पीस में होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन है कि आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो साइड में और ये वाला पार्ट अपना सिल्वर होता है, ये वाला पार्ट जो होता है ना अपना, सिल्वर होता है, इसको भी हमने पियानो ब्लैक कर दिया। और इसके बाद जो ये जो रूफ ब्लैक आप देख रहे हैं ना, ये रूफ ब्लैक देख रहे हैं, ये नॉर्मल टेप नहीं है, ये पीपीएफ टेप है, पीपीएफ टेप, क्योंकि इसकी शाइनिंग जैसे है ना 5 साल तक ऐसी रहेगा। आप अदरवाइज देखते हैं कि रैपिंग वाला टेप होता है, जैसे रैप कर देते हैं उसका कलर और इसका कलर में बहुत का फर्क है, डिफरेंस है, डिफरेंस है, क्वालिटी में एक भी दाना नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, कि इसमें कोई आपको ग्रेन्स वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा, कलर जैसा है, 5 साल की वारंटी है रैपिंग का। ठीक है, रिफ्लेक्शन भी पड़ते हुए दिख रही होगी आपको, और इसमें ना दाना आ सकता है ना कुछ आ सकता है। ठीक है, तो इसमें स्क्रैच व्रैच लगे कुछ नहीं लग सकता इसमें, स्क्रैच आप जैसे रैपिंग ही तो है, कोई उखाड़ दिया वो अलग बात है। ठीक है, इसके अलावा ये पियानो हुआ है और हैंड डोर वाइजर है इसका। ठीक है, ये जेन्युइन हुंडई है। और इसका बाद जो हैंडल चेंज कराने का कोई मूड नहीं था, कि बाहर से ना अपना नाइट बनाना था, तो इसमें हैंडल नहीं लगाना था, इनको ब्लैक रखना था, तो इसलिए हैंडल सेम कलर का है, तो हैंडल बॉडी कलर ही रखा गया, तो सेम यही रहेगा। तो साइड प्रोफाइल से बस इतना ही काम है। हाँ, साइड प्रोफाइल से इतना काम है। तो अब बैक प्रोफाइल में आते हैं, बैक प्रोफाइल से आपको दिखेगी, ये क्रेटा ई वेरियंट है, पर इसकी जो
टेल लैंप्स है वो चेंज है। हाँ ये एसएक्स वाला टेल लाइट है या चाहे नाइट वाला मान लो दूसरे में आता है, ठीक है। मोटर वाला टेल लाइट है इसका, ये भी पीस जो है इसका रिप्लेस का हुआ, पेंट वाला पीस नहीं है, आगे पीछे में आता है फ्रंट एंड बैक स्किड प्लेट। हाँ ये इसके बाद इसमें रिफ्लेक्टर है आउटो मार्केट वाला, ठीक है। एसएक्स का लोगो है ओरिजिनल, एसएक्स लगा रखा है हमने, ठीक है, मतलब ये मिक्स हो गया एसएक्स और नाइट एडिशन। उसका भी कारण बताएंगे जो भैया की गाड़ी है क्यों ऐसे करवाए, ठीक है। इसके अलावा ओरिजिनल शार्क फिन एंटीना है, शार्क फिन ओरिजिनल, ठीक है। इसके अलावा रूफ रेल भी पियानो में, अपना रूफ रेल की क्वालिटी देख सकते हैं, पियानो ब्लैक, और एक बार लुक देख सकते हैं फ्रंट से, तो पूरी रैपिंग करी हुई है इसके ऊपर, पीपीएफ रैप बोलते हैं इसे, पीपीएफ, ठीक है। इसके बाद जो इसका है इसमें हमने वाइपर लगाया, ठीक है, ई मॉडल के अंदर वाइपर। हाँ ये अभी तक हमारी थर्ड वीडियो होगी, हाँ थर्ड, और इसकी वर्किंग भी दिखाते हैं एक बार। सो वाइपर की वर्किंग देख सकते हैं, ऑटो कट भी इसमें विद ऑटो कट। हाँ और स्प्रेयर भी देख सकते हैं, एक बार वाटर चलाना दोबारा, पानी चला, पानी पानी चला, ये देख सकते हैं स्प्रेयर भी प्रॉपर वर्क कर रहा है इसके साथ, और ऑटो कट है, जैसे ही हम ऑफ करेंगे वही पोजीशन वही पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो और इसके अलावा जो इसका डिफॉगर है ये भी चालू है, ठीक है, डिफॉगर वर्किंग है, वर्किंग है, ठीक है। डिफॉगर के लिए एक्सटर्नल स्विच लगाना पड़ता है, हाँ, क्योंकि जो टॉप मॉडल में आता है ना वो एसी क्लाइमेट कंट्रोल में आता है, वो तो अभी हम चालू नहीं किए, तो इसलिए उसका स्विच अलग से लगाना पड़ता है, अलग से स्विच लगाना पड़ता है। तो ये हमने इसके लिए रेयर वाइपर के लिए पहले ग्लास चेंज करा है, हाँ, फिर वाइपर इंस्टॉल हुआ है इसके अंदर, मोटर लगा है, आगे नोजल लगता है, असेंबली लगता है, वायरिंग लगता है और पाइप लगता है, ठीक है। तो अभी पीछे जो कैमरा था वो अपना यहाँ प्लेसमेंट करी हुई है, 360 और रिवर्स कैमरा दोनों इसी से, दोनों इसी से, ठीक है। तो बूट के अंदर कुछ सामान, बूट के अंदर पार्सल ट्रे, पार्सल ट्रे, ये बस बूट लैंप है, तो ये तो नॉर्मल चीज है, ये नॉर्मल चीज है, कोई तो छोटी मोटी चीज है, ठीक है। तो ये लुक आ रही है कुछ अपनी क्रेटा की, तो देख सकते हैं कैसी लग रही है क्रेटा। अब इंटीरियर में चलते हैं, एक बार इंटीरियर में चलते हैं, इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस करे हुए हैं। डोर पैनल से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको दिखने वाला है सॉफ्ट टच, जो कि सारी क्रेटा के अंदर हम इंस्टॉल कर रहे हैं, बिल्कुल। तो क्वालिटी देख सकते हैं इसकी, थ्रेडिंग वगैरह की, तो काफी मतलब लॉन्ग ड्राइव में अगर आपको हाथ कंफर्टेबली रखना है तो सॉफ्ट टच काफी उस पे रखना ही रखना है, जब हम बैठते हैं ना तो रखना ही रखना पड़ता है, तो सॉफ्ट टच से तो फायदा होता है। तो एक चीज कंपनी भी नहीं प्रोवाइड करती, वो है अपना पियानो ब्लैक, ये वाला पार्ट, पियानो तो कोई भी कलर देता है, उससे मुझे मतलब क्वालिटी होती है, सबसे बड़ा गाड़ी बनाने में क्वालिटी होती है, पियानो इससे लेवल इससे ऊंचा कोई पियानो नहीं कर सकता, ठीक है। क्वालिटी देख सकते हैं पियानो की, अपने ये वाला पूरी प्लेट भी होती है पियानो, ये पूरा पोर्शन ही पियानो ब्लैक करा है, और मेन इसका इनर हैंडल भी पियानो करा हुआ है, नहीं क्योंकि इनर हैंडल टॉप मॉडल वाला ही है। अच्छा हाँ, इनर हैंडल तो वो एसएक्स वाला है, हाँ एसएक्स वाला इंस्टॉल करा हुआ है। तो इसमें जो आता था वो तो मैट ब्लैक आता था, मैट ब्लैक आता, उस पर कस्टमर का चॉइस था कि मुझे पियानो ब्लैक चाहिए, ठीक है। पियानो से लुक जबरदस्त आ रहा है, ठीक है। बाकी लुक देख सकते हैं डोर पैनल कटिंग करके, वो कोई डोर पैनल, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं था अपना साइड मिरर एडजस्टिंग का, इसमें स्टिक वाला आता था, तो इसके अंदर हमने एडजस्टिंग के लिए स्विच भी लगा रखा है, जो कि सेम डोर पैनल के अंदर, सेम डोर पैनल के अंदर, आपको कहीं से देख के भी नहीं पता लगेगा कि ये सेम डोर पैनल के अंदर काम हुआ। क्रेटा जेन्युइन स्विच है, क्रेटा जेन्युइन, वो निक्कू भैया आपको हर वीडियो में बताते हुए आते हैं, क्रेटा जेन्युइन, और एक दूसरा होता है वेन्यू वाला होता है, वेन्यू वाला होता है, वो अंदर ही दबा रह जाता है, तो ये आपको दबा हुआ नहीं मिलेगा, ये वन टच वाला, सिर्फ टच करने पे फोल्ड अनफोल्ड हो जाता है। इसके अलावा ट्विटर सॉस है, ट्विटर सैश यहाँ पे, और अंदर बढ़ते तो अंदर क्या क्या चेंजेस करें इसके अंदर। अंदर तो सबसे पहले हम दिखाएंगे छोटा मोटा चीज से, स्टीयरिंग रैप से है, ठीक है, स्टीयरिंग फिनिशिंग और क्वालिटी है, तो देख सकते हैं जिगजैग वाली स्टिचिंग है, जिगजैग वाली है, ठीक है। इसके बाद स्टीयरिंग और क्रूज, तो ये भी नहीं आता, नहीं आता, ये भी हमने इंस्टॉल करा, ओरिजिनल पार्ट है। इसके बाद अपना सनग्लास होल्डर, ये रहा सनग्लास होल्डर। इसके बाद अपना जो मेन चीज है ना, जिसका सीट कवर, अलग ही चीज है ये, देख सकते हैं लुक आज सीट कवर की। डे लाइट में हमारा मेन मोटिव था ये सीट कवर की क्वालिटी और इंटीरियर दिखाना, तो लुक देख सकते हैं कैसा लुक है और क्वालिटी। तो मुझे तो निकू भैया ये एसएक्स में जो हम लगाते हैं ओईएम वाला डिजाइन, उससे भी काफी अच्छा है, काफी अलग चीज है। और सबसे बड़ी चीज है कि
कोई चाहे कस्टमर हो चाहे कोई भी हो चाहे कोई पब्लिक हो, एक भी नहीं बता सकता, एक रिंकल है कहीं से छोटा सा भी रिंकल है, ठीक है। कोई बहुत बंदे बोलते रिंकल है भैया बाद में बैठने के बाद चला जाता है, होता है कुछ नहीं, इसमें हाथों हाथ बता सकते हैं कि कोई एक रिंकल है। और सबसे बड़ी चीज है ना कि जो हम हेड रेस्ट बनाए हैं इसकी क्वालिटी दिखाते हैं, हेड रेस्ट की क्वालिटी देख सकते हैं आप। तो आजकल वो जिप वाले चल रहे हैं उसकी फिटिंग ज्यादा अच्छी होती है या ये वाले इसकी आप दिखने में पता चलता है, इसमें आपको कहीं से भी आपको कहीं भी मोड़ नहीं दिखेगा कोई भी, जैसे होता है ना ऊपर नीचे सा कुछ नहीं है, एकदम प्रॉपर फिटिंग की आती है। और मेन चीज इसके अंदर एक चीज दिखाते हैं, एयर बैग वाला टैग भी लगा हुआ मिलेगा आपको यहाँ पे, तो एयर बैग फ्रेंडली वाला है ये। हाँ एयर बैग वाला है, एक कस्टमाइज सीट कवर, बकेट भी नहीं बोलते इसको, सबसे ऊपर रेंज में बोलते कस्टमाइज, जैसे आपकी ओरिजिनल सीट होती है ना उसका सारा जो कपड़ा होता है उतारा जाता है, उसके बाद कस्टमाइज किया जाता है सीट कवर। ये जो सीट कवर है बिडिंग टू बिडिंग है, वहीं से आप देखो कोई क्लिप काटा मार्केट में लगता है ना काटा उठा, कोई काटा नहीं लगा होगा इसमें, ठीक है। ये देख सकते हैं क्वालिटी। और निक्कू भैया ये जैसे बहुत से एयर बैग वाले सीट कवर दिखाते तो है, यहाँ से वेलक्रो वाला लगा होता है, इसमें तो कुछ भी नहीं है स्ट्रेट मैं है बताता इसका। देखो अब क्या होता है, जैसे सीट कवर होता है कंपनी बोलता है ना एयर बैग वाले हैं ये है, अब क्या होता है कि कंपनी खुद सीट कवर लगा के देती है कपड़ा के, उसके बाद बकेट में क्या होता है हम सिलाई खोल के लगा देते हैं, तो एक एयर बैग जब खुलता है तो एक कपड़ा फाड़ना फिर लेदर फाड़ना तो मुश्किल हो जाता है। हमने क्या किया कंपनी वाला सीट ही हटा दिया, अच्छा, और फिर ये लगा दिया। जब कपड़ा लेदर से मजबूत हमेशा कपड़ा होता है, और जब कपड़ा फाड़ सकते हैं तो ये तो पतला सा लेदर तो फाड़ना ही फाड़ना है, ठीक है, इसलिए एयर बैग वाला सीट कवर है। और स्पेशली टैग भी दिया होता है एयर बैग वाले, तो ये वही वाले सीट कवर्स होते हैं जिसमें एयर बैग होता है, तो टैग भी इसीलिए लगा हुआ है इसमें। पीछे की सीट दिखाते हैं, पीछे का डोर पैनल है। आज हम डोर पैनल क्यों दिखा रहे हैं, डोर पैनल से मेन चीज है जो अभी दिखाए भी नहीं होंगे, कर्टन ओरिजिनल वाला ये देख सकते हैं कर्टन, ये नहीं कि हमने एक्सटर्नल कुछ लगा, सेम डोर पैनल के अंदर ही है। तो निको भैया एक बार हटाने से ये देख सकते हैं ये टॉप मॉडल वाला है इसका, फिर एक कर्टन लगता है तो इसके लिए डोर पैनल चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ये पैनल जो चेंज होता है, डोर नहीं चेंज होता है, पैनल चेंज होता है, ठीक है, पैनल चेंज होता है, अच्छा। और इसके बाद ये फिटिंग भी ओरिजिनल हुंडई का लगता है, फिटिंग देख सकते हैं जैसे कंपनी से आता है टॉप मॉडल के अंदर, और इसके बाद कर्टन लगता है फिर जाके ऐसे लगता है, ठीक है। ये भी नई चीज आज देखने को मिल गई, ये भी हमने इंस्टॉल करा हुआ है आज, पीछे भी सॉफ्ट टच और पियानो देख सकते हैं। तो ये क्वालिटी, आप सीट कवर दिखाते हैं एक बार, ये पीछे के सीट्स हैं अपने 60-40 वाले, तो इसमें कुछ चेंजेस करें आज। हाँ इसमें चेंजिंग ये है कि इसमें आता है नई वाली क्रेटा 2023 मॉडल, इसमें कंपनी ने क्या किया चेयर बैग डबल बैक कर दिया, लेकिन आर्मरेस्ट नहीं लगा के दे रहे हैं, आर्मरेस्ट नहीं देते। हाँ, तो और इसके अंदर हमने आर्मरेस्ट भी लगा दिया, नहीं ये सीटी चेंज है हमारा। अच्छा सीट चेंज कर दी, 46 सीट है जो टॉप मॉडल में सेक्स में आता है ना, वो सीटी चेंज है पूरा है। तो एक ऑप्शन और भी तो था आपने बोला आर्मरेस्ट बना, जैसे 46 सीट आ गया ना उसमें हम आर्मरेस्ट लगवा सकते हो, ठीक है, अगर 60-40 में भी आर्मरेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन हेडरेस्ट जो है ना ये जो हेडरेस्ट है उसमें फिक्स होता है, ठीक है, उसमें फिक्स ही रहेगा। इसमें देख सकते हैं हेडरेस्ट आप इजीली अप एंड डाउन कर सकते हैं, ये ऑप्शन मिल जाता और है। और ये नहीं कि आगे का सीट कवर का फिनिशिंग है, ऐसे सेम पीछे का भी फिनिशिंग है, पीछे की भी फिनिशिंग देख सकते हैं सीट कवर्स की क्वालिटी सुपर, एक एक दो सिलाई है इसकी पूरी प्रॉपर है, ठीक है। और ये नहीं कि पीछे रिंकल आता, पीछे भी आप बता सकते हो कोई रिंकल नहीं है, पीछे की भी क्वालिटी देख सकते हैं बैक, और लास्ट तक कारपेट अंदर टक इन करा हुआ है बिल्कुल। और इसके अलावा इसमें जो है एक ये आपको लाइट रीडिंग लैंप मिल, रीडिंग लैंप दोनों साइड, एक यहाँ और एक यहाँ, ये रहा एक, ठीक है, दोनों साइड मिल जाएगी हमें। पीछे का यूएसबी, तो बैक यूएसबी हम स्टार्टिंग में दिखाई थी वीडियो के हम चेंज करने वाले हैं, ये भी हमने चेंज कर दिया। तो अंदर से सारा इतना ही काम है, नहीं अब इसके बाद जो इसका मेन चीज है ना इसमें सोनी का आपको दिखाते हैं, ठीक है, जो हमने इसमें ऑडियो अपग्रेड करा। इंटीरियर में एक मेन चीज है 360 जो अभी तक हमने दिखाया नहीं, वो भी इंस्टॉल करा हुआ है इसके अंदर। तो निको भैया कैसे वर्क करता है 360 एक बार दिखा दो। सो 360 की वर्किंग दिखाते हैं इसके अंदर। ये अपना फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। फ्रंट व्यू से अगर हमें स्विच होना है बैक वगैरह में तो कैसे कंट्रोल होगा, बैक गियर लगा के, नहीं अगर हमें बैक गियर बिना लगा के इसे स्विच से, अच्छा इसमें ये रोलर जैसा मॉड्यूल लगा हुआ है अपना, ये रहा, तो ये बैक का दिखा रहा है पूरा, ये अपना पूरा ऊपर से दिखा रहा है, और ये अपने दोनों साइड मिरर्स, ये भी साइड का ही है। तो एक बार टायर टर्न करके दिखाएं, ये देख सकते हैं टायर
अब कितना हमें टायर किस साइड है ये सारा 360 के थ्रू पता चल जाएगा। इसके बाद जो है जिस साइड का इंडिकेटर था उस साइड का आ जाएगा, ठीक है। इंडिकेटर से भी वर्क करता है, तो एक बार जैसे हम इंडिकेटर देते हैं राइट साइड का, तो देख सकते हैं राइट साइड में ये टायर देख सकते हैं राइट साइड का, तो जैसे इंडिकेटर बंद करेंगे तो हमारा फ्रंट व्यू आ जाएगा। लेफ्ट का देंगे लेफ्ट का देख सकते हैं लेफ्ट का व्यू दिखाएगा, तो ये भी लग सकता है। हाँ, किसी भी कार में, और ये नहीं कि खाली एंड्रॉयड लेने के बाद ही लगेगा, या क्रेटा का 8 वाला स्टूडियो कंपनी फिटेड आता है, या टॉप मॉडल वाला आता है, या कोई भी गाड़ी के कंपनी फिटेड स्टूडियो में हम आप मेरे से लगवा सकते हो 360 का, ठीक है। मतलब एसएक्स वाले भाई सारे लगवा सकते, कोई भी कंपनी की गाड़ी हो, कोई भी टच स्टूडियो होना चाहिए, ठीक है। कंपनी वाला, कंपनी वाला में भी लग जाएगा, एंड्रॉयड तो लगाते ही सब। अगर ई वेरिएंट है तो आप एंड्रॉयड लगा के भी लगा सकते हैं, एसएक्स है तो भी लगा सकते हैं, 360 दोनों में ऑप्शन है, दोनों में ऑप्शन है, ठीक है। और बाकी ये वाला पैनल भी पूरा पियानो है, ये वाला भी प्रॉपर पूरा पियानो है, ये वाला भी पियानो है, पूरा पियानो करा हुआ है। ये वाला पार्ट भी बाकी एम्बिएंट लाइट K4 है 18 पीस वाला, K4 एम्बिएंट लाइट। तो निको भैया आजकल लगा नहीं रहा अब टॉप मॉडल वाला, नहीं लगता है, कस्टमर का चॉइस ही था इनका कि मुझे लाइट में K4 ही चाहिए, नहीं तो जब इतना काम करवाया तो ओरिजिनल लगवा सकते थे, ठीक है, क्योंकि उसमें तो सिंगल ही कलर, सिंगल दोनों साइड में होता है, मैं दो ही पीस होता है, इनको पूरे जगह चाहिए था, इनर हैंडल में चाहिए था, ग्लो बॉक्स में चाहिए था, उस सबके लिए चाहिए था, तो ठीक है सारी तरफ चाहिए था, तो इसलिए लगाया। उसमें आपको सिंगल कलर का ही ऑप्शन मिलता है, चेंज कर नहीं सकते, और दो पार्ट में ही आता है सिर्फ फ्रंट में। तो और इसके अलावा नीचे यूएसबी प्रॉपर चेंज नहीं करवाया, क्योंकि जो कंपनी फिटेड होता है ना उसमें जो आता है एप्पल कारप्ले चलने वाला, तो 8500 रेंज का समथिंग का था, तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, खाली फास्ट चार्जिंग लगा दो एक, तो उसी में कट करके फास्ट चार्जिंग लग गया ओरिजिनल, ठीक है। तो यही सारा काम करा था हमने क्रेटा के अंदर। और इसके अंदर एक अपना क्या बोलते हैं म्यूजिक में है सोनी ESC का कंपोनेंट कोएक्सल, सोनी का एम्प और सोनी का अंडरसीट बूफर का, ठीक है। बीए अंडरसीट बूफर का बेस नॉब है और ये अपना 360 का, ठीक है। तो एक बार साउंड का आउटपुट भी आपको दिखाते हैं जो हमने इसके, ये देखो ये साउंड जो है इसमें क्लासिक साउंड है, ये चिल्लाहटपन ये वो वाला साउंड नहीं है, माने एक क्वालिटी वाइज साउंड है इसके अंदर, ठीक है, क्वालिटी है। तो एक बार सुनाते हैं इसकी आवाज। तो अभी इसके अंदर जो हमने एंड्रॉइड यूज करा उसमें कारप्ले भी है ऑप्शन, कारप्ले वायरलेस, मोको का स्टूडियो बताना भूल गया, 6 GB रैम 128 GB इंटरनल, ठीक है। तो वायरलेस है, इसमें आपको कोई केबल लगानी नहीं पड़ेगी, इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, एप्पल कारप्ले भी वायरलेस है, एंड्रॉइड ऑटो भी वायरलेस है, ठीक है। तो एक बार साउंड का आउटपुट सुनाते हैं, हमने पूरी क्रेटा आपको दिखा दी ई वेरिएंट को, हमने नाइट एडिशन प्लस एसएक्स दोनों बनाई थी। अगर किसी को एसएक्स पूरी बनानी है तो बना सकते हैं, या नाइट एडिशन पूरी बनानी है तो भी बना सकते हैं। लेकिन निकू भैया अब सबसे ज्यादा क्या बन रही है आजकल, एसएक्स या नाइट एडिशन? सबको नाइट एडिशन का क्रेज हो चुका है अभी, बहुत ज्यादा नाइट एडिशन बन गया, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो तक और भी ज्यादा नाइट एडिशन में क्या क्या नए चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन बहुत चीज है, जैसे अंदर से इन्होंने नाइट नहीं बनवाया, नाइट बनना थे तो रेड वाला पियानो ये सब अपने पास अवेलेबल था, ठीक है, दिखाएंगे जल्दी। मेन चीज भूल रहे हैं, जो हमने इसकी असेंबली चेंज करी थी वो हमने दिखाई नहीं, तो वीडियो एंड करने से पहले एक बार दिखा देते हैं वो स्विचेस भी लास्ट टाइम। तो ये अपना असेंबली दोनों साइड की चेंज हुई है, बेस वेरियंट के अंदर ये दोनों पार्ट नहीं आते, ना रेयर वाइपर का आता है ना ही फॉग लैम्प का इसमें ऑप्शन आता है। तो फॉग लैम्प वाला और वाइपर वाला दोनों चेंज करा हमने, दोनों चालू है, फॉग लैम्प भी स्विच से ओरिजिनल चालू है, ठीक है। और मीटर में भी इसका साइन आएगा फॉग लैम्प का, तो इसमें बेस मॉडल के अंदर नहीं आता था कोई भी साइन अगर हम फॉग लैम्प ऑन करते थे, लेकिन अब हमने ये चेंज कर दिया तो इसके बाद यहाँ पे मीटर में आपको शो करेगा फॉग लैम्प अगर ऑन रहेंगे तो। तो ये देख सकते हैं ऑन है फॉग लैम्प, एक बार ऑफ करना इसे तो ऑफ हो गया, तो ये फीचर भी मिल जाता है निको भैया। बिल्कुल, असेंबली चेंज करते ही, असेंबली चेंज करते ही, और इसे चालू करवाने के बाद, ठीक है, इसे एक्टिवेट करवाने के बाद। तो यही थी अपनी आज की क्रेटा, तो कस्टमर से एक बार फीडबैक भी लेते हैं। सो फाइनली अपनी क्रेटा ई वेरिएंट का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो अपने साथ सर है, उनका नाम जानते हैं सबसे पहले। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कालरा।
ठीक है, कहाँ से आए हैं ट्रैवल करके? मैं फाजिलका पंजाब से। ठीक है, तो आपको कैसे पता लगा निक्कू भैया के बारे में? निक्कू भैया की मैं वीडियो देखता रहता था, पीछे मैं आया था दिल्ली तो निक्कू भैया से मिल के भी गया था, तो फिर निक्कू भैया ने अच्छा गाइड करा हमें, तो फिर मैंने कहा काम निक्कू भैया से ही कराना है। ठीक है, जब आपकी गाड़ी टोटल कितने डेज में तैयार हुई है पहले मेन? 2.5 दिन लग गए। 2.5 दिन लगे, तो निक्कू भैया ने पहले कहा था कि इतना टाइम 2.5 दिन लगेंगे, तो प्रॉपर काम करा तो आपकी गाड़ी में। आए लेट, तो फिर काम अगले दिन शुरू हुआ। तो इसमें निक्कू भैया ने तो फिर जितना मेरे इसमें काम ज्यादा था, पियानो था, छत की रैपिंग था और सीट कस्टमाइज थी, सारा ये सिस्टम पियानो का, ट्यूशन के अलॉय थे, तो टाइम तो मेरे को पता था। निक्कू भैया ने कहा था कि 2 दिन आप मान के चलना। तो इसमें जो भी प्रोडक्ट्स यूज हुए हैं जेन्युइन हुंडई थे? बिल्कुल जेन्युइन हुंडई, ऐसा तो नहीं कोई कॉपी लगाया हो या आफ्टर मार्केट? नो नो नो, आपके सामने ही बॉक्सेस आए थे सारे? मेरे सामने बॉक्सेस आए, मेरे सामने सब स्टाफ कॉपरेट करता है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लगाए। ठीक है, तो निक्कू भैया ऑफ मिल रहा है कुछ हुंडई में? कितना? 18% अभी भी तो सर को दिया? हाँ जी, 18% का ऑफ मिला। बिल्कुल बिल्कुल दिया सर। ठीक है, अगर मैं रेटिंग की बात जानूँ 10 में से आप कितनी रेटिंग दोगे? 10 में से 11, मतलब फुली सेटिस्फाइड। फुली सेटिस्फाइड, निक्कू भाई ने बहुत अच्छा काम करा, एक एक चीज हमारे सही गाइड करी और गाड़ी को बहुत अच्छा तैयार करा। आपने देखा ही होगा, आपने भी कई पूरी वीडियो शूट करे हैं, तो फुली सेटिस्फाइड हैं आप? हाँ, उसमें आपने देखा ही है कि गाड़ी एकदम मस्त तैयार हो जाए। ऐसा तो नहीं हम आपको बुलवा रहे हो या वीडियो में आप बोल रहे हो, कोई भी विजिट कर सकता है। ये तो गाड़ी बोल रही है, मैं तो बोल ही नहीं रहा। गाड़ी काफी अच्छी तैयार हुई है, बेस वेरिएंट था, कहीं से पता नहीं लग रहा बेस वेरिएंट है। बिल्कुल खाली गाड़ी लाया था मैं इनके पास, तो पूरी तैयार कर दी, फुल पैक करके ले जा रहा हूँ। ठीक है, आप पंजाब साइड से कोई भी देख रहा है तो आप रिकमेंड करेंगे उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल, पंजाब मैं कहता हूँ हर पंजाबी को यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो सर को काफी पसंद आई। निक्कू भैया, अगर इसकी टोटल कॉस्टिंग जाननी है तो निक्कू भैया को डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में फ्लैश होता हुआ नंबर मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो जो पार्ट्स लगे हैं सबकी डिटेल ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, बाकी तो 70-80% तो ओरिजिनल आइटम ही है, उसमें तो मैं बता ही रहा हूँ मार्केट पे 18% ऑफ ही है, 18% ऑफ है। बाकी और भी कुछ किस तरीके के स्पीकर लगाना है, क्या लगाना है, तो आप फोन करके पूछ सकते हो, चाहे आके विजिट करके भी देख सकते हो। ठीक है, एलॉयज में भी 18% ऑफ है? नहीं, वो एमआरपी से कम में बता रहा हूँ, अभी एलॉय पे ऑफ नहीं है। ठीक है, एलॉय पे अभी ऑफ नहीं है। अगर आपको ये एलॉयज पसंद आते हैं तो निक्कू भैया के पास मिल जाएंगे। तो यही थी अपनी आज की वीडियो, आई होप सो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।